कर रहे थे बफर में कहानी, ठीक है। सो आज अपन उसके आगे कहानी बात करेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले अपन बात करने वाले क्वेश्चन पेपर पे क्या डाउट है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन और क्वेश्चन पेपर खोलता हूँ, और मुझे बताइए कि कहाँ पे भैया क्या समस्या हुआ आपको, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया, जस्ट मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, होमवर्क था, होमवर्क पे बात करेंगे। चलो ठीक है। सो क्वेश्चन पेपर बन गया है। कुछ क्वेश्चन तो मुझे बताना, उससे बात कर ले, ठीक है। मुझे दो किसको किस क्वेश्चन में डाउट है। चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन 1 to 5 में किसी को डाउट है इसमें, क्वेश्चन पेपर में 1 से 5। क्वेश्चन नंबर टू क्या होगा, बोलता है भैया किस प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होगा। ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन होगा तो फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो एनर्जी लिबरेट होगा। डन है विवेक, और किसी में इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है ना, सारे में देखो तो। और यहां पे हमको दिख रहा है कि यहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन में हमेशा एनर्जी क्या होता है, देना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। क्या दिक्कत है भाई इसमें, चलो ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। हाँ जी, 5, 6, 7, 8 देख लो, इनमें कोई क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट एटमोस्फेरिक प्रेशर इन इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज। एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन कर रहा है कौन, गैस। और अगर गैस वर्क डन कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, गैस वर्क डन कर रहा है, तो कैसे वर्क डन करेगा, तो भैया वो अपनी एनर्जी को कम करेगा। तभी तो फर्स्ट लॉ लगा के रखो ना, फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 में एडियाबेटिक में क्यू क्या होगा, 0। तो Q अगर 0 हो गया, W जो निगेटिव है, तो W तुम्हारा निगेटिव है, तो डेल्टा U क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डन है क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8, वार्मिंग अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब कैसा होता है, ओपन होता है, तो सिस्टम कैसा हो गया, ओपन सिस्टम हो गया। डन है, चलो 9 नंबर तो सॉल्व कर लेना। 9 नंबर सॉल्व नहीं होगा क्या मृगांक, सिंपल फॉर्मूला लगाना। चलो 10 नंबर, हाँ 10 नंबर में बिल्कुल पोजीशन का अनसर्टेनिटी 0 होगा, तो मोमेंटम इनफाइनाइट होगा, ठीक है। कहा गया, करो, अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ बोलो। क्वेश्चन और 4 पर आंसर गलत दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर गलत दिया था, देखा जाए भाई क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर दिया हुआ है, डी सी हो जा। सी आ रहा है आंसर, यस सर। सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, देख लिया जाएगा सॉल्व करके इसको, ठीक है, देख लेते हैं। अगर ऐसा है कि सी आ रहा है तो सी होगा, तरीका तो पता है ना अपने को, तरीका क्या है, यस सर। ठीक है, देख लेते हैं, अब चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। हाँ और सा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, 11 to 14, 11 to 14,
11 टू 14 में एक एक डाउट आ रहे हैं, देखते जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि मैक्सिमम टेंडेंसी टू यूनिपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे अधिक किसकी होगी? सबसे अधिक होगी बी की, बी की होगी, और किसकी होगी? क्या दिक्कत है इसमें? पी वन वाला हमको पता है भैया, किसको आयोनाइज करना आसान है, 13th ग्रुप नंबर 13 को आयोनाइज करना आसान है इन कंपैरिजन टू ग्रुप नंबर 2, तो ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर बी। क्या दिक्कत है आस्था इसमें? अनामिका डन है क्या? ये बेसिक कौन होगा? बेसिक ऑक्साइड स्टैनस होगा गधे, नॉन मेटल वाला ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। स्टैनम क्या है? टीन, टीन का ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक। फोर्टीन, स्मॉलेस्ट रेडियस किसका होगा? बेरिलियम प्लस टू। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, कैसे होगा बेरिलियम प्लस टू? भैया लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस टू में बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रेडियस किसका छोटा होगा? जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा होगा। काम खत्म, डन है क्या? डन है क्वेश्चन नंबर 14 तक? कोई और इसको क्वेश्चन नंबर 14 तक में दिक्कत है? 15, 16 नहीं है? ऑर्डर ऑफ रेडियस आई माइनस आई, आई प्लस एनायन न्यूट्रल केटायन, ये तो ऑर्डर लिखे हैं हम, पॉइंट लिखा हुआ है एनायन न्यूट्रल केटायन। अब इसमें क्या कष्ट है भैया, इसको तो हम पॉइंट करके लिखे हुए हैं एनायन न्यूट्रल केटायन। क्वेश्चन नंबर 19 दो बार दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर गलत है, कौन बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 का सी होगा डी दे रहा है, सी होगा डी दे रहा है। 2.8 केजी ऑफ इथाइन बोलता क्या है कि बताइए कितना केजी ऑफ ऑक्सीजन बनेगा? इथाइन है तो दो कार्बन, मतलब ये हो गया ढाई गुना, ढाई गुना तो ढाई गुना हो गया, मतलब ढाई मोल्स, ढाई का हो गया तुम्हारे पास 2.8 केजी। लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, और 32, 64, 64, 6 हाँ ये 9.6 आई गेस, लग रहा है मेरे को 9.6 होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, 9.6 ही होना चाहिए लग रहा है ऐसे। ठीक है देख लेते हैं अपन इसको सॉल्व करके, अभी जस्ट देख लेंगे। ठीक है वो पॉइंट का गड़बड़ी है, इधर से उधर हो गया, देख लेता हूं मैं। बोलता है कि ईच वैल्यू ऑफ एल एम एस क्या होगा, ये तो ठीक है। हाँ जी और कोई दिक्कत है इसमें, और इस पेपर में कहीं कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देख लेते हैं। डन है? चलो ठीक है, मैं 19 चेक कर लूंगा, मैं देख लेता हूं, हो सकता है 9.6 आए, 96 हो गया, मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है बाकी सब ठीक है? चलो ठीक है ठीक है, बढ़िया। ठीक है डन है क्या? और तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बढ़िया, चलो ठीक है आगे पढ़ते हैं। फाइन, आज अपन बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, क्या कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, और इसकी कहानी कैसे चलने वाली है देखते हैं अपन। ठीक है तो देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देख अब यहां पे अपने पास एक सॉल्ट की कहानी आती है, सॉल्ट वाली चीज लेते हैं। अगर तुम्हें याद हो जब हमने स्टार्ट आयनिक किया था तो उसमें सॉल्ट की एक कैटेगरी ली थी जो कि सॉल्युबल नहीं होता, और वहां पे हमने लिखा भी था कि भैया डी ब्लॉक के मेनली जो सॉल्ट है, मेनली सारे नहीं लेकिन डी ब्लॉक के जो मेनली सॉल्ट है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वो थोड़े सॉलिड नेचर के होते, वो आसानी से सॉल्युबल नहीं होते। सो वैसी कोई भी चीज जो पानी में सॉल्युबल नहीं है उसके लिए हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं,
अब कोई कहेगा कि क्या पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो फिर इस टर्म का मतलब क्या है? तो एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो पानी में सॉल्युबल नहीं हो, ऐसा नहीं है, स्पैरिंगली सॉल्युबल हो, थोड़ा सा सॉल्युबल हो, बहुत कम सॉल्युबल हो, मतलब ऐसा है कि तुमने अगर उसमें 2000 किलो डाला तो मान लो कि 100 ग्राम जो है वो पानी में घुल गया, बाकी सारा बच गया। तो जो चीज थोड़ी सी सॉल्युबल होती है ना, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्युबल सॉलिड हो, तो उसके लिए हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज केएसपी, और इस केएसपी को बोलते हैं, दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये कुछ नहीं है, ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और कुछ है नहीं, कुछ अलग नहीं है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या होता है इसका डेफिनेशन? तो कहता क्या है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू एक्वस सॉल्यूशन। बोलता क्या है कि ये इस सॉलिड सब्सटेंस जब एक्वस में मिलता है, जब पानी में मिलता है, सो उस समय जो हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। अब बात ये आता है कि चलो ठीक है, ये तो हम समझ लिए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या। अब बात यहाँ पे ये आता है कि भैया इसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से ये अप्लाई होता है, इसकी कहानी पे जरा हम चर्चा करके देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे, ठीक है। और ये क्या चीज है, जरा सा एक अलग तरीके से भी हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं। चलो सो मान लो कि मेरे पास एक सॉल्ट दे दिया, मान लो कि सॉल्ट दे दिया, दैट इज AgCl, ये सॉलिड पानी में जैसे जाएगा तो ये पानी में ना आसानी से सॉल्युबल नहीं होगा, बड़े मुश्किल से सॉल्युबल होता है, बहुत थोड़ा सा सॉल्युबल होगा। तो मान लो ये बनेगा Ag+ एक्वस और साथ में Cl- एक्वस बनेगा, हमको पता है पानी सॉल्युबल हुआ तो ये बनेगा। अब मान लो कि इसका इनिशियल अमाउंट A लिया था और A में से मान लो कुछ चला गया S, जिस S से हमको कोई खास मतलब नहीं है, तो हमको पता है कि उसको बोलेंगे KSP, और वो क्या लिखाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-। सिंपल, हम AgCl को कॉन्सेंट्रेशन नीचे में नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि AgCl क्या है? सॉलिड है। तो बेसिकली यहाँ जो रिएक्टेंट पार्ट में ना वो सॉलिड है, तो हमको उसके लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम KSP बोल सकते हैं, Ag+ इंटू Cl- का कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली यहाँ जो KSP है वो क्या हो जाएगा, तो S इंटू S, दैट विल बी S2। तो अगर मान लो आपको इक्विलिब्रियम पे इन दोनों आयंस का कॉन्सेंट्रेशन दे दे, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि भैया अपना केएसपी की वैल्यू क्या होने वाली है। डन है क्या? कोई ऐसा जिसको लगे कि भैया यहां तो हमको समझ नहीं आया, ये एस और ये एस क्यों बना, अब कोई बोलेगा कि एस ही क्यों लिए, तो भैया एस इसलिए लिए क्योंकि एस को बोलते हैं, जैसे हमने पहले यूज किया था अल्फा, उससे भी पहले यूज किया था एक्स, उसके बाद यूज किया था एच, तो जैसे ये सारे टर्म्स है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर हाइड्रोलिसिस, उसी तरीके से चूंकि सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं, तो एक नई तरह की चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एस, और इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, कुछ है नहीं, पुराने ही चीज है। तो बेसिकली यहाँ जो एस है, इस एस का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी किसमें हमको बताना है, तो भैया इसका यूनिट क्या होगा, तो बेसिकली हम सॉल्युबिलिटी जब बताते हैं तो ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब बात करेंगे तो ये किसमें होगा, मोल्स पर लीटर में ही होने वाला है। तो बेसिकली S का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, और इसको डिनोट किसमें करते हैं, तो दैट इज मोल्स पर लीटर में एज अ कॉन्सेंट्रेशन। तो यही कहानी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है। अब चलो जरा एक एग्जांपल देख लें। अब मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा, एग्जांपल बोलता है कि इफ केएसपी ऑफ AuBr इज 4×10⁻², फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AuBr।
बोलता है कि सिल्वर ब्रोमाइड की जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो 4×10⁻⁴० है, -20 है, तो बताओ यहाँ सॉल्युबिलिटी क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, टाक से करो, खटाक से मुझे आंसर भेजो क्या आएगा इसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबल होने और नहीं होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है श्रेयांश? उसके लिए बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लो कि फैजांस रूल के वजह से ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, और हमको पता है कि डी ब्लॉक वाले में फैजांस रूल ज्यादा लगता है, उनके साइज छोटे हैं, उनमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए डी ब्लॉक वाले कम सॉल्युबल होते हैं, एस ब्लॉक वाले बड़े आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। चलो बढ़िया बढ़िया आदित्य, बढ़िया आदर्श, बढ़िया हर्ष, चलो लिख लिए। तो भैया हमको दिख रहा है इसका सॉल्युबिलिटी आसानी से हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो हम बोलेंगे क्या कि ये AuBr साहब जो है ये ब्रिक होंगे, ये सॉलिड है, ठीक है, जब बोल दिया KSP तो मतलब ये सॉलिड है, ये Au प्लस बनेगा एक्वस और साथ में Br माइनस बनेगा एक्वस, और हमको पता है कि भैया दोनों जब एक्वस बने तो ये A रहा होगा, ये A में से S गया होगा, हमको इससे मतलब है नहीं, ये S बना होगा, ये S बना होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि KSP equals to क्या हो जाएगा S square, मतलब यहाँ हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि KSP है 4×10⁻²⁰ S square, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2×10⁻², यूनिट हमको पता है मोल पर लीटर, इसलिए उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे बता दो किसको क्यों भेजे में नहीं गया ये, जल्दी से जिसको इसको लगता है कि ये समझ नहीं आया तो जल्दी से बता दो, भैया हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया ये तो हमारे लिए। दो तीन लोग का जादू हो गया। बोला आदित्य सर कैलकुलेशन में मिस्टेक किए हैं। ठीक है यार, सॉरी, हाँ ठीक है चल सॉरी, ठीक है चल। हाँ जी, और किसी को कष्ट है? नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक छोड़ के और किसी को कष्ट है? ठीक है चलो बढ़िया, डन है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सप्रेशन ऑफ KSP फॉर Cu3 PO4 twice can be, बोलता क्या है कि Cu3PO4 twice का जो एक्सप्रेशन होगा KSP का वो क्या हो सकता है, ठीक है, ऑप्शंस मैं दिए जा रहा हूं, यहां ध्यान देना। S^5, 3³, 2² S^5, थ्री का स्क्वायर 2³ S^5, नन, सो जा। एक्सप्रेशन बोला, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, आपको S के फॉर्म में ब्रेक करना है और चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा लगता है कि भैया इसके लिए सूट करेगा। चलो सोचो फटाफट से, बढ़िया आदित्य, बढ़िया हर्ष,
गुड विवांशु, शायद गड़बड़ कर दिए, चेक करेगा फिर से। आदर्श गड़बड़ है, अनामिका गड़बड़ है, चलो ठीक है। अब यहां ध्यान दो इस क्वेश्चन को, मैं देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान देना ठीक है। मुझे पता है कि Cu3PO4 ट्वाइस जब ब्रेक होगा तो ये मुझे देगा, ये प्लस टू इसका रहा होगा और ये माइनस थ्री इसका रहा होगा। हम बचपन से ये चीज जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये तो, ठीक है। तो हमको ये तो लिख ही सकते हैं, Cu प्लस टू प्लस PO4 थ्राइस, चूंकि यहाँ तीन है तो यहाँ तीन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे दो है तो ये दो लगाना पड़ेगा। कोई ऐसा इसको इसमें कष्ट तो हैंडल कर दो भैया, हमको तो यही समझ नहीं आया। कोई ऐसा इसको लगता है कि हमको तो यही समझ आ गई कि तो बात ही छोड़ गए, हमको इसी में कष्ट है। नहीं है, बड़े आगे चल ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ब्रेक करते हैं इसको ठीक है। तो ए जीरो जीरो रहा होगा, इसमें से जब एस जाएगा, ध्यान देना ये कितना बनेगा, मुझे ये बताओ कि ये जो बनेगा ये एस बनेगा कि थ्री एस बनेगा। मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ कि अगर Cu3PO4 ट्वाइस जब जाएगा तो Cu प्लस थ्री एस बनेगा कि थ्री एस बनेगा। चलो सारे चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि भैया ये एक मोल के लिए थ्री मोल बनता है, मतलब जो ये एस गया होगा तो ये क्लियर बात है कि ये कितना बना होगा तो 3s, और ये कितना बना होगा तो 2s बना होगा। डन है, डन है क्या? बढ़िया। अब मुझे बताओ कि जब इसका 3s और इसका 2s पता है तो क्या ksp नहीं लिख सकते हैं? तो हाँ सर, हम चिल्ला चिल्ला के लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 3s का, ये प्रोडक्ट में इसका पावर कितना आएगा 3, तो 3s का क्यूब, और ये फॉस्फेट है ये कितना है 2s, तो 2s का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3s का क्यूब और ये 2s का स्क्वायर, तो भैया यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 क्यूब 2 का स्क्वायर s क्यूब, और ये 3, ये पावर 3 और ये 2, तो कितना हो जाएगा भैया s का पावर टोटल s का पावर दैट विल बी 5। तो आपका जो ksp होगा वो ksp कितना आ जाएगा, तो 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर इनटू s टू द पावर 5। कितने लोगों को कष्ट है, हैंड रेज कर दो कि भैया हमको तो कष्ट है, समझ नहीं आया हमको तो। कितने लोगों को कष्ट है फटाक से बताओ और अपन उस पर बात करें। हाँ एक तो कष्ट में आया विवेक, इसे कैसे हो जाएगा, मजाक है कहा है विवेक, हैंड रेज कर जरा। हाँ दिखा मेरे को, रुक जा मैं तेरे को अनम्यूट कर रहा हूँ, रुक जा। हाँ बोलो सर, हम कब के हैंड रेस किए हुए हैं? अरे कोई बात नहीं, कब का किए हुए तो तेरे को मौका मिला ना, बोल सर। ये जो इक्वेशन है, हाथ दब कर गया, बोल सर। ये जो इक्वेशन है ना, मतलब वही हाँ नहीं कर पाते हम, इक्वेशन को डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं इक्वेशन को। ये आप इसको आप आपको ये लिखने में दिक्कत है, बहुत कष्ट है जीवन में फिर तो क्या कीजिएगा। चलिए तो कोई बात नहीं, मैं इस इक्वेशन को लिखना सिखा दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो। चलो एक आध क्वेश्चन और भी लिख देते हैं ठीक है। चलो और मैं डिसोसिएट करके दिखाऊंगा, विवेक तू रुक लियो ठीक है। क्वेश्चन सेम है, आपको ksp लिखना है, कुछ सॉल्ट्स में दे रहा हूं ठीक है। राइट एक्सप्रेशन, अब आपको एक्सप्रेशन खुद से लिखना है ठीक है। पहला
विवेक ये बता कि इसके नीचे में वन है या टू है, कुछ नहीं दिया हुआ तो वन वन है। अच्छा जिंक में बचपन से प्लस टू देखा है प्लस वन देखा है, कौन सा चार्ज देखा है? प्लस तो दांत तोड़ दूंगा मैं, प्लस टू होता है उसकी बैलेंसी। ये कौन सा है यानी विवेक, वही सी टू ये ओ फोर सी का टू ओ कौन सा है, फोर नाम क्या सी है? टू सी ऑक्सलेट। टू ओ फोर हाँ जेडन एक है, एक लिखा। सी टू ओ फोर भी कितना है, एक ही है, एक लिखा। डन है, इसकी लिख लेगा, हाँ। लिख लेगा। बढ़िया, अच्छा चलो सर जो अगला। मतलब जितना सर रुकिए ना बोलो। सर मतलब कि जितना वैलेंसी होता है उतना चार्ज हम ऊपर चढ़ा देंगे। बस हो गया, और क्या। यहाँ पे जो नंबर होता है यूजुअली वो यहाँ चार्ज में बन के आ जाता है, और जो इसके नीचे नंबर होता है वो उसका प्रीफिक्स बन जाता है, काम खत्म। ठीक है, चलो क्योंकि एक और यहाँ पे क्वेश्चन सी करो। टू का भी तो रुक जा, सी टू ऑक्सलेट पूरा आयन होता है, ठीक है। आयंस ब्रेक हो रहे हैं, आयंस, यहाँ ध्यान दे। चल बताइए इसको कैसे ब्रेक करें। पहले एक्स फोर का है, एक्स फोर ही लिखा जाएगा, फोर एक्स फोर चार्ज में फोर लिखे कि आगे में फोर लिखे, आगे फोर लिखाएगा, लिख लिया। ऊपर में कितना चार्ज लिखे हैं? ऊपर में ये तो जीनॉन है, इसका तो कोई नहीं है, इनर्ट गैस है ये। ये तीन कहां से आया होगा? यहीं से चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ होगा। अच्छा हाँ तो 3+ होगा। अब क्या लिखे हैं? फिर वाई 3y चार्ज। प्लस फोर अब क्या दिक्कत बता, अब लिख अब लेगा लिख जाएगा। केएसपी? और कोई है भैया अभी करते हैं? कुछ हमको जेनन नहीं है श्रेयांश, वो कोई भी एक्स मान लिया, जेनन नहीं है, एक्स ही थोड़ी लिया, एक्स लिया है। जेनन से कंफ्यूज नहीं करो, जेनन नहीं है, ठीक है। कोई एक जनरल एक्स है, डन है क्या दोनों का? तो केस पी का है। कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया हम कोई भी केएसपी का इक्वेशन लिखने ही नहीं आया, जादू हो गया हमारे लिए, तो बड़े आगे बड़े कोई है? अभी तो, अब तो किसी को दिक्कत नहीं है ना इक्वेशन लिखने में? चलो ठीक, बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से हम केएसपी तो लिख सकते हैं। अब मान लो क्वेश्चन बहुत तरीके के बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, दैट इज कब प्रेसिपिटेशन होगा, कब अपने पास प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा प्रेसिपिटेशन होने का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन होने का मतलब कि रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, क्योंकि ये सॉलिड है, हमको पता है कि रिएक्टेंट सॉलिड है। तो रिएक्शन जब बैकवर्ड आएगी तो प्रेसिपिटेशन होगा, जब फॉरवर्ड जाएगी तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। फॉरवर्ड जा रही है मतलब सॉल्युबल हो रहा है, और बैकवर्ड आ रही है तो प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछता क्या है कि बताइए कितने कॉन्सेंट्रेशन पे ये प्रेसिपिटेट होने लगेगा। तो हमको उसके लिए क्या देखना है, बेसिकली हमको उसके लिए क्यू की वैल्यू निकालनी है और के से कंपेयर कर लेना है। क्यू रिएक्शन कोसेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे, और के हमको पता है। कैसे? अगर रिएक्शन पीछे कब जाएगी, रिएक्शन पीछे कब जाएगी, जब क्यू की वैल्यू के से बड़ी हो। और रिएक्शन आगे कब जाती थी, जब क्यू की वैल्यू के से छोटी हो। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन कहीं पे कब होगा। प्रेसिपिटेट का मतलब है सॉलिड फॉर्मेशन, रिएक्टेंट कब बनेगा।
तब बनेगा जब अपने पास Q की वैल्यू K से बड़ी हो, और दोनों बराबर हो गए तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। तो हम यहां बड़े आसानी से कह सकते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। कब होगा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, पॉइंट बनाकर लिखते चलते हैं। पहला, Q ग्रेटर देन KSP, अगर Q KSP से बड़ा हो गया तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी तो प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर Q जो है वो KSP के बराबर हो गया तो प्रेसिपिटेशन होगा, नहीं होगा, लिख लो यहां पे प्रेसिपिटेशन, हालांकि हेडिंग डाल दिया है, ठीक है, यहां पे नहीं होगा। और यहां पे अगर हम बात करें कि भैया Q जो है वो अगर छोटा हो गया KSP से, तो हम बोल सकते हैं कि और सॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट तो छोड़ दो और सॉल्युबल होगा। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, अभी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भैया कब अपने पास प्रेसिपिटेशन होगा, कब अपने पास जो सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट होगा, और कब अपने पास वहां पे इक्विलिब्रियम होगा, कब वहां पे सॉल्युबिलिटी और बढ़ेगी, ये कहानी हम बता सकते हैं क्यू को केएसपी से कंपेयर करके। प्रेसिपिटेशन फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का मतलब क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन, सॉलिड का फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन कब जाएगा, तो भैया बैकवर्ड रिएक्शन तभी जाएगा जो क्यू है वो KSP से बड़ा हो जाए। अब जरा एग्जांपल समझते हैं, मान लो आपने एक एग्जांपल दिया, कहता है कि इफ KSP ऑफ AgCl इज 10 का पावर -20, बोल दिया कि KSP इतना है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इक्वल्स टू 2×10 का पावर -10 एंड Cl माइनस इक्वल्स टू 10 का पावर -9, देन व्हाट विल हैपन, बोलता है क्या है, बताइए तब क्या होगा। ऑप्शंस दे दिया मान लो आपके पास, पीपीटी फॉर्म्स, नो पीपीटी फॉर्म्स, इक्विलिब्रियम स्टेट, लार्ज अमाउंट पीपीटी फॉर्म्स, छोड़ इसको, इस ऑप्शन पढ़ाता हूं मैं, आनंद करता हूं, ठीक है। बोलता है क्या कि बताइए इस केस में अगर आपको ये दिखे तो बताइए कि क्या होगा आपके पास, प्रेसिपिटेशन होगा नहीं होगा, या इक्विलिब्रियम स्टेट में है, या कुछ भी नहीं है, सोचिए और मुझे फटाफट से बताइए आपको क्या लगता है। कुछ नहीं करना, क्यू लिखना है, KSP से कंपेयर करना है, तो फटाफट से बढ़िया है हर्ष, बढ़िया कि बढ़िया है, श्यांश गड़बड़ है, श्यांश फिर से चेक करो, विभाजु बढ़िया है, साक्षी गड़बड़ है, अंशु बढ़िया है, बढ़िया श्यांश, चलिए देखिए हम यहां पे Q लिखते हैं, Q क्या होता है, एट एनी टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं दैट इज Q।
तो अगर यहाँ ध्यान दो तो क्यू क्या होगा, तो क्यू बराबर हम बोल सकते हैं ए जी प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू सी एल माइनस का। मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा, हमको पता है यही ब्रेक होने वाला है। ए जी प्लस कितना है 2 इंटू 10 का पावर माइनस 10 और सी एल माइनस कितना है तो 10 का पावर माइनस 9, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ये भाई साहब इस भाई साहब से बड़े हैं, मतलब हमको दिख रहा है कि Q जो है वो KSP से बड़ा है, और Q जब KSP से बड़ा हो गया तो प्रेसिपिटेशन होगा, इसमें डाउट ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसको किसको जल्दी से बता भाई, किसको किसको कष्ट है कि हाँ हमसे नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है हमको। त्यागी ऑप्शन नंबर बी कैसे हो गया? हाँ जी, किसको किसको कष्ट है जल्दी बताओ। रियांशु चलो यहां ध्यान दे रहे हैं, हमें एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है क्वेश्चन में, हमको सी एल माइनस का भी दे दिया, एजी प्लस डाला सी एल माइनस डाला तो क्यू निकल गया, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ये वैल्यू आ गई। और हमने जस्ट अभी पढ़ा कि अगर क्यू जो है वो केएसपी से बड़ा है तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यहां हमको दिख रहा है ये जो क्यू है वो केएसपी से बड़ा है, इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी है, मतलब ये जैसे बड़ा है इससे तो प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब क्यू केएसपी से बड़ा है तो प्रेसिपिटेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डन है, चलो बढ़िया। हाँ जी, और कोई दिक्कत की तो आकांक्षा तेरे भेजे में गया, कहाँ है ये? गायब है, चलो ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, और सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस टू 2 मोलर। बोल दिया कि एक सॉल्यूशन में एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर था। व्हाट will be concentration of Cl minus when KSP of AgCl is 2 into 10 power minus 10। बोलता क्या है कि अगर AgCl का KSP जो है वो 2 इंटू 10 का पावर माइनस 10 है, और आपको बोल दिया कि Ag प्लस पहले से ही तो उसमें 2 मोलर है, तो बताइए Cl माइनस का कितना होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा अब यहाँ पे। चलो सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान देना, मैं सॉल्व करता हूं, इसको ध्यान दो, अभी आपको मैं परेशान नहीं कर रहा, इसको ध्यान दो। यहाँ पे देखो AgCl है, ये Ag प्लस बन रहा है, साथ में Cl माइनस बन है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये सॉलिड है, ब्रेक हुआ होगा, ये बना होगा S, ये बना होगा S, लेकिन ये इतना ही नहीं है, ये पहले से 2 मोलर भी है, तो प्लस 2। अब हमको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, KSP के बराबर। अच्छा एक चीज सोच के देखो, यहाँ जो S की वैल्यू आने वाली है बहुत छोटी आएगी, तुमको मन करे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, मन करे तो यहाँ से इस S को इग्नोर कर दो, तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं KSP इक्वल्स टू S प्लस 2 का S प्लस 2 इंटू S, और दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू S इक्वल्स टू KSP, मतलब यहाँ से S की वैल्यू जो है वो सीधे सीधे चली आएगी, दैट इज KSP by 2, ये 2 को इधर लेके चले गए, KSP by 2, और KSP है 2 इंटू 10 का पावर माइनस 10, तो 2 इंटू 10 का पावर माइनस 10 by 2, तो ये आ जाएगा 10 का पावर माइनस 10।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे s जो है ये बहुत बहुत छोटा होने वाला है 2, इसलिए हमने इग्नोर कर दिया, 2 में ऐड नहीं किया। बाकी आपको इच्छा करे तो ऐड करके सॉल्व कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे बता दो ये किसको किसको खोपड़े में नहीं गया, जल्दी से। बिल्कुल बढ़िया है हर्ष, मृग हर्ष बढ़िया है, मृगन बोला है क्यों इग्नोर कर देंगे। मृगन तू सॉल्व कर ले ऐड करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तू सॉल्व कर और मुझे बता आंसर कितना आएगा, तू सॉल्व कर और मुझे बता आंसर कितना आएगा, मैं मान लूंगा कि ठीक है भैया इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। डन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना कर दे रहा हूं क्वाड्रेटिक। ठीक है, इक्वेशन ऐसे बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो दिख ही रहा है, केएसपी के लिए सॉल्व कर लो। तो बेसिकली पुरानी ही कहानी, हमको पता है कि पहले से कोई आयन बहुत सारा होता है ना, तो बाद में जो ऐड होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हम पहले भी पढ़े स्ट्रॉन्ग एसिड पहले से है, वीक एसिड डाला उसके एच प्लस की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमको पता है कि भैया अगर थोड़ा सा कोई चीज ऐड हुआ तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी लिखने का टाइम नहीं दिया, आराम से देखते जाओ इसको। हाँ जी बोलो, क्या कष्ट है बताओ, और कोई इसमें कष्ट है, कोई और है जिसको लगता है कि नहीं भाई हमको तो बहुत कष्ट है, हमको अभी भी समझ में नहीं आया है, कोई ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं अभी भी हमको समझ में नहीं आया, जादू हो रहा है अभी भी? बढ़े आगे, चलिए ठीक है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे हम कैसे सॉल्व किए, तो थोड़ा सा मेहनत है, इग्नोर करना है, बट ठीक है फाइन। चलो अगला क्वेश्चन आप अपने मॉड्यूल से ट्राई करो, ठीक है, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को आप मॉड्यूल से ट्राई करो। एक मिनट बस रुक जाओ, एक मिनट मुझे मॉड्यूल खोल लेने दो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे खोल दे रहा हूँ मॉड्यूल। चलो नहीं ये तो बॉन्डिंग का है, एक मिनट रुक जाओ बस, मैं मॉड्यूल आप खोल दे रहा हूँ और फिर उस क्वेश्चन को ट्राई करो। रुक जा, पहले मैं बता रहा हूं कौन सा करना है। पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कीजिए इसमें अगर आपको केएसपी दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ काम है, इसको कैलकुलेट करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि क्या लगता है सॉल्व होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे समझ लो कि जो पार्ट को हमने इग्नोर किया था वो वहां पे इग्नोर हो चुका ना, तो उस इग्नोर के वजह से क्या होगा कि वो थोड़ा सा तो पीछे जाएगा, इस वजह से थोड़ा बनेगा, समझे? तो क्यू के एसपी के बराबर कब होगा, जब हमारे पास थोड़ा सा इग्नोर करने वाली चीज को हमने कंसीडर कर लिया, तो थोड़ा सा कैसे जाएगा, पीछे जाएगा, क्योंकि हमको पता है थोड़ा क्यू तो बड़ा है, दैट्स व्हाई। नहीं समझे, मैं समझाता हूं, पहले इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो, फिर बात करेंगे आगे के लिए। हाँ आस्था, सीएल को एक्स भी सपोज करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में एक्स नहीं मानते, हम एस मानते हैं, हम लिखते एस है, मैथ्स वाले बचपन से एक्स पढ़ाते हैं, तुम ए मान लेगी तो सॉल्व नहीं होगा, अरे होता ही है, लेकिन हम एक्स मान के सॉल्व करते हैं ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फॉर्मूला बनता है एक्स के लिए, तुम बोलेगे नहीं एक्स के लिए नहीं, हम तो ए के लिए बनाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है।
ओके हर्ष, ठीक है, देखते हैं, उम्मीद है सही है। हो गया सबका, हो गया कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ कितनों का नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व भैया, हमको बहुत टफ लग रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री, नहीं हो रहा हमसे, नहीं लग रहा कि इस जन्म में हो पाएगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा, जुपिटर पे जाना पड़ेगा हमको। नहीं हुआ, बहुत अच्छे, चलो ठीक है, करते हैं सॉल्व भैया। तो हमको बोला क्या है कि भैया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताइए क्या होगा अगर आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया 8.64 10 का पावर माइनस 7। चलो तो केएसपी दिया हुआ है 8.64 इंटू 10 का पावर माइनस 7, बोलता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, यही पूछा ना आपसे। चलो भैया सॉल्व करते हैं, PbI2 है, ब्रेक होगा, क्या देगा Pb+2 और साथ में 2i-, ये भाई साहब जाएंगे, मैं सीधे लिखता हूं A-S, ये बनेगा S और ये बनेगा 2S, डन है, 2S बनेगा। KSP लिखते हैं भैया, KSP क्या लिख, this to the power 1, डन हो गया, खेल खत्म। तो हम बोल सकते हैं S⁻¹ और 2S⁻², 2S⁻², मतलब ये कितना हो गया भैया, तो हमको दिख रहा है 4 × S⁻², और यहाँ पे 3, तो 4 × S�³, दैट इज 4S³। ठीक है, अब हमको KSP पता है, KSP कितना है, तो 8.64 × 10⁻⁷ इक्वल्स टू 4 × 4S³। तो क्या यहां से S की वैल्यू नहीं आ जाएगी, मुझे बता दो ये S की वैल्यू आएगा कि नहीं। अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो कसम खा ले हमसे सॉल्व नहीं होगा आप तो। हां जी, कितने लोगों ने कसम खा लिया कि भाई आप तो नहीं होगा हमसे सॉल्व, इसके आगे सॉल्व नहीं होने वाला हमसे। डन है, चलो ठीक है, हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 × 10⁻³ के लगभग, सॉल्व करोगे तो लगभग इतने आ जाए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास जो भी क्वेश्चंस ऐसे केएसपी वाले आएंगे तो आप उसमें इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और किसको दिक्कत है इसमें, और कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया आप तो नहीं हो पा रहे हमसे, बढ़े आगे। चलिए ठीक है, तो ये आपके पास केएसपी कहानी हुई। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, और इस टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे अधिक, मतलब जितना छोटा टॉपिक है और जितना ज्यादा इसका यूज है, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। बोलता है कि एसपी 8 × 10⁻¹² है, ठीक है, फॉर बी ए, एक सॉल्ट ले लिया मान लो BaCl2, बोलता है BaCl2 का ये केएसपी है, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, फटाफट से सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू निकाल तो कितनी आएगी, S की वैल्यू निकालो जल्दी से, कितना आने वाला है,
एस वैल्यू फटाक से निकालो। क्या भाई सब गायब हो गए हैं बहुत सारे क्लास से, क्यों? ट्रैकिंग करना पड़ेगा। हाँ जी अमृता गड़बड़ है। चलो यहां ध्यान दो, BaCl2 जब ब्रेक हुआ तो ये बना Ba प्लस टू और साथ में 2Cl माइनस, ठीक है, ये S हुआ और ये हुआ 2S। तो भैया जब ये S और ये 2S हुआ तो हम यहां लिख सकते हैं Ksp इक्वल्स टू S इनटू 2S का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भैया, तो ये आपके पास हो गया 4 इंटू एस क्यूब। 4 एस क्यूब का मतलब हो गया, आप यहाँ पे लिखिए, तो ये हो गया आपके पास 8 इंटू 10 का पावर माइनस 12 इक्वल्स टू 4 एस क्यूब। यहां से ये हो गया 2, तो ये एस की जो वैल्यू आ गई आपको दिख रही है, एस इक्वल्स टू आ गया, इधर देखोगे तो 2 इंटू इसका, इसको अंडर रूट लगाओ, ठीक है, तो इसको अंडर रूट लगाओ तो ये आ गया 2 का पावर 1/3 इंटू, और ये भाई साहब अपने पास कितने हो गए हैं, 2 का पावर 1/3 इंटू 10 का पावर माइनस 4। चलेगा, डन है क्या? कोई ऐसा इसको लगता है भैया दिक्कत है इसमें, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ? हां जी विवेक, आंसर आ गया था? चलो ठीक है, तो इस तरह से हम केएसपी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसके आगे की कहानी अभी कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, वो तो आसान है, मतलब मैथ्स है और क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो ठीक है, इसके आगे की कहानी अगले मेरे को समझा। अच्छा मृगंक मैं बताता हूँ, रुक जाओ पहले, ठीक है। तो अपने पास कहानी ऐसी है कि चलो ठीक है, आज के लिए अपन नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत लोग मुझे दिख नहीं रहे, तो एक बार मैं ट्रैकिंग करवाता हूँ क्या नहीं है, और अपन अगले क्लास में बात करेंगे इसके आगे की कहानी पे, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं कोई खास होमवर्क नहीं दे रहा, अगले क्लास में इस पे बात करते हैं, ठीक है। मृगंक बोला है कि क्या बोला था हर्ष, देखो हर्ष यही बोल रहा था, ऐसे समझो मृगंक, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम अगर आ भी गया ना तो थोड़ा सा ये रिएक्शन पीछे जाएगा, क्यों? क्योंकि जो आपने इस एस को इग्नोर किया, तो इस एस के इग्नोर करने की वजह से क्या हुआ कि भैया आपने इसको एस को इधर कैलकुलेट नहीं किया, तो समझो कि जो तुमने क्यू निकाला है वो एक्चुअल जो क्यू है जो इन दोनों से निकलेगा वो क्या है कि हमको दिख तो रहा है कि भैया ये वैल्यू है क्यू की, लेकिन एक्चुअल में ना क्यू की वैल्यू वो नहीं होगी जो निकला, उससे थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि इस एस को तुमने इग्नोर किया ना, तो इस वजह से चूंकि क्यू की वैल्यू के से थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब रिएक्शन थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा क्या होगा, पीछे जाएगा। डन है, चलो इस चीज पे ज्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है, ठीक है, ये सब आगे देखते रहोगे समझते रहोगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो आगे कहानी अगले क्लास में बात करते हैं, बाकी अपन यहीं पे क्लास को रोकते हैं। क्या बोल रहा है हर्ष, सॉरी क्या बोल रहा है श्रेयांश, बोलो 4s क्यूब कैसे आया, 2s क्यूब होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, इसको तो करेगा श्रेयांश, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये s का पावर 2 और s का पावर 1, s का पावर 3 हो गया। डन है श्रेयांश, तो एसपी ही दिया है पावर मैंने, तो एसपी ही 3 दिया, या तो 4s पे कहां दिया है। अच्छा ये 2s, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 2s है, तो इसका पावर भी 2 लगेगा ना, इस 2s का पावर 2 लगेगा ना, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक,
प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये एस तो ये एस, ये 2s तो ये 2s, s का स्टोइकोमेट्री है 1 तो पावर में 1, 2s स्टोइकोमेट्री हो गया इसका 2 तो पावर में लग गया 2, पूरा हो गया s, ये s स्क्वायर तो s क्यूब, 2 का पावर 2 तो ये हो गया 4, तो ये क्या बन गया आपके पास 4s क्यूब, ksp की वैल्यू। डन, जल्दी बोलो डन है, रियांशु डन, ठीक है तो सब यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगली क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, चलो बाय बाय।